हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको मुझसे एक वादा करना होगा, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चल जाना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो स्पेशल मैंने बनाई है अपने उन सब्सक्राइबर के लिए जिनके धनवान फ्रीडम कार्ड की डेली लिमिट 1000 रुपए या फिर उससे नीचे है। कैसे आप अपने धनवान फ्रीडम कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंटली फोन पे रेंट को यूज करके। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था लाइव प्रूफ के साथ कैसे आप अपने धनवान फ्रीडम कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंटली। लेकिन अभी क्या हो गया, फोन पे रेंट में आप 1000 रुपए से ऊपर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके धनवान फ्रीडम कार्ड की लिमिट 1000 रुपए से नीचे है तो आप वहां पर नहीं कर पाएंगे अपनी धनवान फ्रीडम कार्ड की लिमिट को यूज। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लेकर आया हूं। यहां पर मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा आपके लिए 100% वर्किंग होने वाली है। लाइव प्रूफ के साथ आपको यहां पर अपने धनवान फ्रीडम कार्ड को यूज करके मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे धनवान फ्रीडम कार्ड की डेली लिमिट केवल 500 रुपए है और ये 500 रुपए मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके दिखाऊंगा इंस्टेंटली। तो गाइज, अगर आपके धनवान फ्रीडम कार्ड की लिमिट 1000 रुपए से नीचे है, यानी डेली लिमिट 1000 या फिर उससे नीचे है, कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं ये आज आप देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करने के बाद बेल आइकन जो दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसफर करते हैं अपने धनवान फ्रीडम कार्ड की डेली लिमिट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले अपने धनवान फ्रीडम कार्ड के लिमिट को ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर धनी एप्लीकेशन ओपन करनी होगी और आपने इसके अंदर लॉगिन करना होगा। मैं गाइस आपसे यहां पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया फिर आपकी समझ में नहीं आ पाएगा कैसे आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके धनवान फ्रीडम कार्ड की डेली लिमिट 1000 या फिर उससे नीचे है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने यहां पर धनी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है और मेरे वॉलेट के अंदर जो पैसे हैं वो है 19,896 रुपए और 500 रुपए मेरी धनवान फ्रीडम कार्ड की डेली लिमिट है। 5,000 रुपए की मुझे यहां पर लिमिट मिली हुई है मेरे धनवान फ्रीडम कार्ड की। और ये तो आप सभी को पता है गाइस, धनवान फ्रीडम कार्ड के अंदर आपको जो भी लिमिट मिलती है उसको आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। धनवान फ्रीडम कार्ड के अंदर आपको डेली लिमिट मिलती है। अगर आपकी डेली लिमिट 1000 या फिर उससे नीचे है, आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे, ये आप आज देखने वाले हैं। अभी आपको क्या करना है, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, हेल्पफुल होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वादा आपने किया मुझसे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपकी डेली लिमिट 1000 या फिर उससे नीचे है तो आपको क्या करना है। मान लीजिए मेरी डेली लिमिट है 500 रुपए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डेली क्रेडिट लिमिट यहां पर 500 रुपए आपको दिखाई दे रही है, या फिर आपको 800 होती है, या फिर 700 होती है, या फिर 1000 होती है। हमें फोन पे रेंट के जरिए पैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने हैं और फोन पे रेंट में आप 1000 रुपए से नीचे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करने हैं। मान लीजिए मेरी लिमिट 500 रुपए है तो मैं यहां पर ऐड करूंगा 600 रुपए। आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर उतने पैसे डालने हैं ताकि आपके पैसे धनी वॉलेट के अंदर 1000 रुपए से ज्यादा हो जाए। आपको टोटल 1100 रुपए कम से कम करने हैं। अगर आपकी 1000 रुपए लिमिट है तो आपको यहां पर 100 रुपए ऐड कर लेने हैं। अगर आपकी लिमिट 500 रुपए है तो आपको यहां पर 600 रुपए ऐड कर लेने हैं, या फिर आपकी अगर लिमिट 800 रुपए है तो आपको यहां पर 300 रुपए ऐड कर लेने हैं। कुल मिला के बात यह है, आपको आपके धनी वॉलेट के अंदर 1100 रुपए दिखाई देने चाहिए। और वॉलेट में पैसे ऐड करना इतना भारी काम नहीं है, अमाउंट यहां पर डालनी है, यूपीआई द्वारा आप पैसे ऐड कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे गाइस स्क्रीन पर 20,396 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर अभी अवेलेबल है, ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। मैं यहां पर ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पहले से यहां पर ऐड है और मेरी डेली क्रेडिट लिमिट है 500 रुपए, ठीक है। ये 500 रुपए मैं यूज करूंगा, ठीक है। और ये 20,000 जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, 20,396 रुपए ये टोटल है मेरे 500 रुपए को लगाने के बाद में। अभी आप देखेंगे 19,896 प्लस 500 रुपए 20,396 रुपए हमारे यहां पर हो गए। आपको भी यहां पर ऐसा ही दिखा देगा। अगर आपकी डेली क्रेडिट लिमिट है 1000 रुपए, आपने 100 रुपए ऐड किए तो आपकी वॉलेट में साइड में जहां पर 19,896 रुपए आपको दिखाई देंगे, आपको यहां पर 100 रुपए दिखाई देंगे, 1000 रुपए आपके दिखाई देंगे एक साइड में, ठीक है। तो आपको टोटल जो लिमिट दिखाई देगी वो ऊपर दिखाई देगी, 1100 रुपए या फिर जितने भी आप ऐड करेंगे 1000 रुपए से ऊपर होने चाहिए। हम 1000 रुपए से ऊपर ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फोन पे रेंट में जाकर पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपकी वहां पर कुछ कन्वीनियंस फीस लगती है, इसलिए आपके वॉलेट के अंदर 1000 रुपए ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, जब आप अपने धनी वॉलेट के अंदर पैसे ऐड कर लेंगे और आपकी जो टोटल लिमिट है यहां पर तकरीबन 1100 रुपए दिखाई देगी कम से कम, उसके बाद आपको क्या करना है,
वन फ्रीडम कार्ड को आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है अपना धनी फ्रीडम कार्ड देखने के लिए, और यहां पर आपको आपके धनी फ्रीडम कार्ड के जो नंबर है ये कॉपी करने हैं। आपने क्या करना है, अपने कार्ड पर टैप एंड होल्ड करना है 3 सेकंड के लिए। जैसे आप 3 सेकंड के लिए टैप एंड होल्ड करेंगे आपके नंबर कॉपी हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहां पर सीवी नंबर और अपनी एक्सपायर डेट देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फोन पे ओपन करना है। मैं यहां पर फोन पे ओपन कर लेता हूं। फोन पे ओपन करने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रेंट पेमेंट पर जाना होगा। जैसे आप रेंट पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर एड न्यू पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहां पर रेंट अमाउंट डालनी है। ये तो आप सभी को पता है 1000 रुपए से कम आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं रेंट पेमेंट में। अगर मैं यहां पर 500 रुपए करूं तो 500 नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर रेड कलर में लिखा आ चुका है कि 1000 रुपए कम से कम आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहां पर दिखाया कि आप 1000 रुपए तब ट्रांसफर कर पाएंगे जब आपके धनी वॉलेट के अंदर कम से कम 1100 रुपए होंगे। तो आपको यहां पर वो अमाउंट डालनी है जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं यहां पर अभी ट्रांसफर करूंगा 20000 रुपए, क्योंकि मेरे वॉलेट के अंदर धनी फ्रीडम कार्ड की लिमिट जोड़ने के बाद 20300 कुछ रुपए है, और 20000 रुपए ट्रांसफर में इसलिए करूंगा क्योंकि कुछ कन्वीनियंस फीस लेगी यहां पर, 300 कुछ रुपए कन्वीनियंस फीस लेगी, वो मैं यहां पर दूंगा। रेंट अमाउंट डालने के बाद आपको नीचे प्रॉपर्टी का नाम डालना है। आप यहां पर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका दिल करे। उसके बाद नीचे आपको यहां पर चूज करना है आप होम का पेमेंट करना चाहते हैं फिर ऑफिस का करना चाहते हैं, कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहां पर लैंडलॉर्ड का नाम डालना है। यहां पर आपको उसका नाम डालना है जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे एड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको बैंक अकाउंट प्लस पर क्लिक करने के बाद ऐड करना होगा कौन सा बैंक का चूज करना है, अकाउंट नंबर डालना है, एफएससी कोड डालना है, कंफर्म पर आपने क्लिक करना होगा। मेरा पहले से यहां पर बैंक अकाउंट ऐड है तो इसलिए मैं यहां पर अपना बैंक अकाउंट चूज कर लेता हूं। मैंने पहले से यहां पर ऐड कर रखा, ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर, और यहां पर मैं अभी केवल अमाउंट चूज करता हूं। मैंने यहां पर 20000 रुपए ऐड कर दिए, 20000 रुपए ट्रांसफर करूंगा अपने बैंक अकाउंट के अंदर। और आप अगर देखेंगे यहां पर मेरे धनी फ्रीडम कार्ड की लिमिट भी यहां पर यूज होगी। ठीक है, कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद गाइस आपको यहां पर पेमेंट मेथड में चूज करना है पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड। यहां पर आपको ध्यान से देखना है, जब आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर तो आपको पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस आपको यहां पर दिखाई देगा कि आप जितने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी कन्वर्जन फीस कितनी लग रही है। अगर मैं 20000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं अपने बैंक अकाउंट के अंदर तो यहां पर 260 रुपए मेरे चार्ज लग रहे हैं जीएसटी लगाने के बाद में, यानी मेरे जो धनी वॉलेट है उससे मुझे धनी वॉलेट है उस वॉलेट से 20260 रुपए कटेंगे। अगर आपका धनी फ्रीडम कार्ड यहां पर पहले से ऐड है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना होगा, यूज अनदर कार्ड पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपने जो नंबर कॉपी किए हैं अपने धनी फ्रीडम कार्ड के, कॉपी एंड पेस्ट करना है, एक्सपायर डेट डालनी है, सीवी नंबर डालना है और पे रेंट पर क्लिक करना होगा। मेरा पहले से यहां पर ऐड है इसलिए मैं यहां पर वो चूज कर लेता हूं। तो गाइस मैंने यहां पर अपना धनी फ्रीडम कार्ड चूज कर लिया है, सीवी नंबर यहां पर डाल दिया, 20260 रुपए मेरे धनी वॉलेट से कटेंगे। ठीक है, और पे रेंट पर क्लिक करता हूं। मैंने यहां पर धनी फ्रीडम कार्ड ऐड किया, उसके बाद पे रेंट पर क्लिक किया, उसके बाद एक ओटीपी आएगी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो धनी वन फ्रीडम कार्ड के साथ लिंक है। तो मेरी ओटीपी मेरे दूसरे मोबाइल पर आएगी क्योंकि वो मोबाइल नंबर मेरा दूसरे फोन के अंदर है, और गाइस ओटीपी मेरे पास आ चुकी है। एंटर मैनुअल करता हूं। मैंने यहां पर ओटीपी डाल दी, सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो रेंट पेमेंट है यहां पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गाइस हमारा रेंट पेमेंट यहां पर सक्सेसफुली हो चुका है, और हमने अपने धनी वन फ्रीडम कार्ड से पैसे निकालकर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए है। अब मैं आपको दिखाता हूं अपने धनी वॉलेट के अंदर जाकर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं गाइस अभी आपको 20396 दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। गाइज आप देख सकते हैं हमारे वॉलेट के अंदर जीरो हो चुके हैं, बिल्कुल यहां पर कोई पैसा भी बाकी नहीं बचा है, वॉलेट के अंदर जीरो बैलेंस रह गया है। और डेली क्रेडिट लिमिट थी जो मेरी वो भी यहां पर यूज हो चुकी है। ठीक है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 4636 रुपए मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, पहले यहां पर 5000 रुपए थे। यानी हमने यहां पर जो यूज किए हैं पैसे वो किए हैं अभी 336 रुपए कुछ कटे हैं यहां पर। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहां पर मेरी ड्यू अमाउंट भी आ चुकी है 122 रुपए जो मुझे पे करनी है। मैं बता दूंगा आपको, जब भी आप अपने धनी फ्रीडम कार्ड की लिमिट को यूज करेंगे तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो एक इंस्टॉलमेंट आपको अगले दिन ही देनी होती है। इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने धनी फ्रीडम कार्ड की लिमिट को और उसका जो पेमेंट है वो कैसे करना होता है, इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको यहां पर यह दिखाया कि अपने धनी फ्रीडम कार्ड की लिमिट को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपकी डेली लिमिट 1000 या फिर उससे नीचे है। आपने देखा, मैंने आपको यहां पर लाइव प्रूफ के साथ दिखाया। ऊपर अगर आप देखेंगे डेली क्रेडिट लिमिट मेरी जीरो रह चुकी है, मेरे जो 500 रुपए थे मैंने वो यूज कर लिए हैं, और मेरे वॉलेट के अंदर जितने पैसे थे सब मैंने ट्रांसफर कर लिए हैं। और मैं आपको अगर नीचे दिखाऊं यहां पर जाकर,
देख सकते हैं, मैंने स्वाइप किया कार्ड अपना, 20,260 रुपए मैंने ट्रांसफर किए अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। 20,360 रुपए मेरे थे यहाँ पर, 19,000 कुछ रुपए मेरे वॉलेट के अंदर थे, बाकी मेरे धनवीर फ्रीडम कार्ड के अंदर थे। इन दोनों को लगाने के बाद 20,260 रुपए मेरे वॉलेट से कटे और मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे इंस्टेंटली पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छी बात ये होती है गाइस, जब आप अपने धनी मनी फ्रीडम कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर करते हैं फोन पे एंड के जरिए, तो आपके जो पैसे हैं वो इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर। मेरे दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ चुके हैं, मेरे पास मैसेज यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है अगर, तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने वादा किया था स्टार्टिंग में कि अगर हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो हम आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और आपने सब्सक्राइब अगर कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं, आपके लिए हेल्पफुल होती है, और यहां पर आपको जो वीडियो मिलेगी रियल मिलेगी, कोई फेक इसके अंदर नहीं होता है। मैंने आपको यहां पर बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाया अपने धनवीर फ्रीडम कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर। जो मेरे भाई बोलते हैं कि भाई धनवीर फ्रीडम कार्ड से हम पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि 1,000 रुपए की हमारी लिमिट है और फोन पे के अंदर 1,000 दिखा रहा है, पैसे फिर भी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। जो कन्वीनियंस फीस होती है ना गाइज, वो 1,000 रुपए के ऊपर जो लगती है, उतने पैसे आपके वॉलेट के अंदर होने चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जो है ऐड पे क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ पैसे ऐड कर लीजिए 100 रुपए, ठीक है, और आप जो है अपने धनवीर फ्रीडम कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये थी वीडियो कैसे आप अपने धनवीर फ्रीडम कार्ड को यूज करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ, अगले भी इतना ही, थैंक यू सो मच।